मंगल मैथी स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। एंड टुडे टॉपिक इज स्पोर्ट्स इंजरीज क्लासिफिकेशन, कोज एंड प्रिवेंशन। स्पोर्ट्स इंजरीज आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशंस, एंड प्लेयर कैन बी इंजर्ड। यानी कि खेलों के दौरान किसी भी ग्राउंड में, किसी भी मैदान में किसी भी खिलाड़ी को चोट लगना एक सामान्य सी बात है। प्रैक्टिस के दौरान, कॉम्पिटिशन के दौरान, किसी भी प्रतियोगिता के दौरान कोई भी खिलाड़ी घायल हो सकता है। लेकिन ये स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स इंजरी जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं? नंबर वन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एंड सेकेंड बोन इंजरी, एंड थर्ड जॉइंट इंजरी। यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू जो कोमल ऊतक होते हैं उनकी चोटें होती हैं, बोन इंजरी यानी जो हड्डियों से रिलेटेड है, और जॉइंट इंजरी जो हमारे जोड़ों से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट आज हम पढ़ते हैं इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हैं वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर एक कॉन्ट्यूशन, स्ट्रेन, स्प्रेन, एब्रेशन, ये इतनी सारी चोटें जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। कंट्यूशन कौन सी होती है? कंट्यूशन बोलते हैं किसी भी खिलाड़ी को चोट के दौरान जो नील पड़ जाता है या कोई घुमटा बन जाता है उसको कंट्यूशन बोलते हैं। कंट्यूशंस जो है ये मसल्स की चोट है। ठीक है, ये मसल्स में लगती है। किसी भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या किसी अन्य चीज़ से प्रत्यक्ष रूप से चोट लगना कंट्यूशन का कारण बन सकता है। किस किस खेल में कंट्यूशन जैसी जो चोट है वो लगती है? कबड्डी और कुश्ती में सबसे अधिक कंट्यूशन होना सामान्य सी बात है। ठीक है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या हैं? जहाँ कंट्यूशन होता है वहाँ पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग बढ़ जाती है और पेन भी बहुत होता है, और इस जगह पर अकड़न भी हो जाती है, और जो हमारी स्किन है उसका कलर भी फीका पड़ जाता है, और जो स्किन का कलर चेंज होता है वो लाल होने से शुरू होता है। ठीक है, जिसके बाद वहाँ से स्किन धीरे धीरे नीली और काली हो जाती है। ठीक है, इसका बचाव कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? जैसे इसमें क्या करते हैं, दिन में 3 से 4 बार आइस पैक, आइस मसाज से इसको, आइस से मसाज कर सकते हैं, और 3 दिन के बाद बर्फ की मसाज की बजाय सूजन कम करने के लिए इसकी सिकाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन भी हमारी मसल्स की चोट है, स्ट्रेन बोलते हैं खिंचाव। ठीक है, इस चोट की वजह से हमारे मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक है, उनमें खिंचाव या ट्विस्ट आ जाता है। ठीक है, ये खिलाड़ियों के द्वारा ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से होता है। ठीक है, और ये ज़्यादा खिंचाव जो होता है, जो स्ट्रेन होता है, भारी वजन उठाने से या मसल्स पर अधिक दबाव डालने से होता है। ठीक है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या हैं? इस स्थान पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग बढ़ जाती है। ठीक है, और शरीर के अंगों जैसे हमारी बाजुओं में और टांगों को हिलाने में भी दर्द होने लगता है। ठीक है, हमारी चलने की जो शक्ति होती है वो भी कम होने लगती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? जो घायल बाजू है या टांग है, मतलब खिलाड़ी को जिस जगह भी चोट लगी है उस स्थान को, उस जगह को, अपने शरीर के उस पार्ट को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। ठीक है, शीत दबाव यानी कि कोल्ड कंप्रेशन का प्रयोग तत्काल 20 से 30 मिनट तक करना चाहिए। ठीक है, यानी कि बर्फ को सीधे तौर पर लगाने की सलाह नहीं दी जाती, बर्फ के टुकड़े को कॉटन या कपड़े में लपेटना चाहिए। ठीक है, और यदि दर्द लगातार हो ही रहा है तो उसको कोई ना कोई पेन किलर दवाई दे देनी चाहिए, फिर 5 दिन के बाद गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यदि कई मसल्स पर या अंगों पर चोट, कई जगह चोट लगी तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रेन। स्प्रेन बोलते हैं मोच, ये मोच जो होती है, जो स्प्रेन होती है, लिगामेंट्स की चोट है। ठीक है, ये भी अधिक खिंचाव के कारण या लिगामेंट्स के फटने के कारण हो जाती है। ठीक है, सामान्यतः तो मोच जैसे हाथ में कोहनी के जोड़ हो गए या टखने के जोड़ हो गए, इन पर होती है। इस प्रकार की चोट में भी सूजन, जलन और पेन होता है। ठीक है, इस तरह की इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं, स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो ठीक, उपचार में क्या करना होता है, ट्रीटमेंट में क्या करना होता है, जिस जगह वो स्प्रेन है, जहाँ वो मोच है, जहाँ वो चोट है, उस स्थान को, उस भाग को, उस पार्ट को ना हिलाएं, बल्कि डॉक्टर्स की सलाह लें। ठीक है, हल्की मोच में 3 दिन तक में 3 से 4 बार जो आइस मसाज करते हैं वो कर सकते हैं। 3 दिन बाद फिर उसको हीट करते हैं, 3 दिन बाद उसको हीट देते हैं, हल्की मसाज करते रहते हैं। और टखने की मोच में 8 के प्रकार के, जैसे 8 बनता है, हम 8 बनाते हैं, उस प्रकार की पट्टी बांधनी चाहिए। ठीक है, और यदि फिर उसके बाद भी दर्द बना रहे तो जो पेशेंट है, जो घायल व्यक्ति है, उसको दवा देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एब्रेशन। ठीक है, रगड़ या छिलना, कहीं रगड़ा आ जाना या छिल जाना। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्किन पर लगती है, जो ये रगड़ा आना या छिलना, ये स्किन के ऊपरी चोट है। ठीक है, जो स्किन के ऊपर आती है। ठीक है, ये किसी भी इक्विपमेंट के रगड़ने के परिणाम स्वरूप भी हो जाती है, कभी कभी नीचे गिरने से। ठीक है, वहाँ पर
जो हमारी बोन्स हैं, ठीक है, बोन्स के ऊपर की जो स्किन है उसके आसपास रगड़ लग जाती है, ठीक है। जो इस प्रकार की चोट है ये रगड़ना या छिलना एब्रेजन, ये कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या ट्रैक एंड फील्ड आदि में आ जाती है। इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या हैं? स्किन का जलने के साथ साथ छिल भी जाती है, ठीक है, और रगड़ वाले स्थान पर थोड़ा खून बहना या टपकना आदि इस तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? जो प्रभावित स्थान है जहां पर वो चोट लगी है उसे साबुन और गर्म पानी से धोएं, ठीक है। घायल जो स्थान है जहां वो चोट लगी है पट्टी बांध देनी चाहिए, और अगर रगड़ गहरी हो तो पट्टी बांधे, ठीक है। जल्दी से जल्दी एंटी टेटनस इंजेक्शन का, जो टेटनस का इंजेक्शन होता है, उसको लगवाना चाहिए, और अगर दर्द ज़्यादा हो तो दवाई लेनी चाहिए। नेक्स्ट है इंसीजन, यानी कि चीरा पड़ना, ठीक है, इसको विदरण भी बोलते हैं। चीरा जो होता है वो विदरण की अपेक्षा जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। ये त्वचा के ऊपर के जो तीखे किनारे वाली वस्तु से लगा कर होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड जो है वो खुला मतलब स्वतंत्र रूप से बहता है, बहुत ज़्यादा ब्लड बहता है, ठीक है। आमतौर पर ये कटकर धारदार वस्तुओं के लगने से होता है, जैसे टूटा हुआ कांच, इसके कारण हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि कट को आयोडीन टिंचर से साफ करें ताकि जख्म से कीटाणुओं को हटाया जा सके, ठीक है। चोट पर या कट पर या तो कॉटन लगा सकते हैं, बैंडेज की इसकी पट्टी की सहायता से इस पर मरहम पट्टी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा ब्लड बह रहा हो तो कटे स्थान को जहाँ पर वो चोट लगी है कसकर पट्टी से बांध दें, और अगर आवश्यकता हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारी हो गई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ठीक है। अब बात करते हैं बोन इंजरी, ठीक है। जो बोन इंजरी होती है वो बहुत ही गंभीर होती है और बहुत दर्ददायक यानी पेनफुल भी होती है। यदि बोन इंजरी इस तरह की क्योंकि उसको ना संभाला जाए, उसको समय से ध्यान ना दिया जाए, तो ये अस्थाई अपंगता यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपंग बना सकती है, उसको दिव्यांग बना सकती है, ठीक है। अतः अगर बोन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इंजरी आ जाती है, तो तुरंत हमें अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो जो बोन इंजरी है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है डिसलोकेशन यानी कि हड्डी का अपने स्थान से हट जाना, और दूसरी होती है फ्रैक्चर यानी कि हड्डी का टूट जाना। पहले बात करते हैं डिसलोकेशन की, ठीक है। डिसलोकेशन मतलब हड्डी का अपने स्थान से हट जाना, ठीक है। हड्डी अपने स्थान से कहाँ से हटती है? जहाँ हमारे जॉइंट है, यानी कि जॉइंट की चोट है, जॉइंट इंजरी है, ठीक है। डिसलोकेशन जो है ये जॉइंट इंजरी है, तो हमारे जो जॉइंट हैं, जो हमारी जॉइंट की हड्डियाँ हैं, अगर वो अपने स्थान से हट जाए तो उसको डिसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। जब डिसलोकेशन होता है तो क्या होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, और जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जॉइंट्स में स्वेलिंग बढ़ जाती है, और जो इससे पीड़ित होता है उसके हाथ पैर में कलकवा जैसी प्रॉब्लम यानी कि हाथ पैरों का या जिस जगह जिस जॉइंट में प्रॉब्लम है वहाँ पर काम करना भी बंद कर सकता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? जो इसका रोगी है, जिसको ये प्रॉब्लम हुई है, उसकी सभी गतिविधियों को रोक देना चाहिए ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना बढ़ सके, ठीक है। आइस पैक मतलब जिस जगह दर्द है वहाँ आइस पैक और जलन वाली जगह को सूजन को कम करने में सहायक हो सकता है, ठीक है। और जो इसका पेशेंट है, जो रोगी है, डॉक्टर की सलाह तथा इलाज के लिए तुरंत उसको अस्पताल ले जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी जो डिसलोकेशन है उसके भी कई प्रकार हैं, ठीक है। डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, तो ये कई तरह के जॉइंट हैं, ठीक है। इन किसी भी जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। और अगर इनमें से किसी भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है तो उसके बचाव क्या क्या, उसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इनके जो बचाव हैं या फ्रैक्चर के जो बचाव हैं, जो फ्रैक्चर के प्रिवेंशन है, वो सब एक ही हैं। तो पहले हम फ्रैक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसके जो प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज है या बोन इंजरीज है, फिर उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर, ठीक है, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर होता है किसी भी दुर्घटना के कारण आई भारी चोट की वजह से हड्डियों का टूटना या उनमें दरार आना, ठीक है, वो फ्रैक्चर कहलाता है। फ्रैक्चर होता कैसे है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष किसी भी किन्हीं भी दो व्यक्तियों के या दो वाहनों के प्रभाव के कारण आपस में टकराने, गिरने या और भी कई तरह की दुर्घटनाओं के कारण ये होता है, ठीक है। अब फ्रैक्चर कितने प्रकार का होता है वो बात करते हैं, ठीक है। जैसे होता है सिंपल फ्रैक्चर, ठीक है, ये जो सिंपल फ्रैक्चर होता है इसमें क्या होता है कि बिना किसी घाव के होता है, ठीक है, यानी कि इसको सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं, कोई घाव नहीं होता लेकिन हड्डी में किसी ना किसी तरह की दरार आ जाती है, इसको सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है किसमें होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर,
ठीक है। ग्रीस्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, ये बच्चों में देखा जाता है क्योंकि बच्चों की जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वो बहुत मुलायम होती हैं, कोमल होती हैं। जब भी इन हड्डियों पर, इन स्थियों पर कोई दबाव पड़ता है तो ये हड्डियां मुड़ जाती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट है कम्यूटेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब एक बोन कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, ठीक है, तो इसको कम्यूटेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। इस प्रकार के फ्रैक्चर में केवल साइकिल दौड़ या मोटरसाइकिल दौड़ में संभव होते हैं, ठीक है। हमने साइकिल दौड़ाई हो या बाइक दौड़ाई हो तो उसमें ये वाले फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि टूटी हुई हड्डी का, टूटी हुई बोन का एक सिरा दूसरी हड्डी में घुस जाता है, ठीक है, तो उसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। फिर एक स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या होता है कि इसमें किसी भी बोन में एक छोटी सी दरार पड़ जाती है, ठीक है, जो ज़्यादा खिंचाव के कारण हो सकता है। ये कारण खिलाड़ियों को, धावकों में से जो रेसर होते हैं, जो स्प्रिंटर होते हैं, ठीक है, ये उनमें होना ज़्यादा संभव है, ठीक है। फिर एक ट्रांजवर्स फ्रैक्चर, ठीक है, ये फ्रैक्चर होता है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्रैक्चर होता है दर्द से बहुत भरपूर होता है, बहुत पेनफुल होता है, और ऐसी दुर्घटना में होने वाले इस तरह के फ्रैक्चर में तुरंत हमें डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। कभी कभी एक सर्जरी और ऑपरेशन से भी इस ट्रांजवर्स फ्रैक्चर को ठीक नहीं किया जा सकता, ज़्यादा ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर, ठीक है, इसको एक टेढ़ा फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। टेढ़ा जो किसी हड्डी पर समकोण के अतिरिक्त किसी भी कोण में बल दबाव पड़ने पर होता है, ऑब्लिक यानी कि तिरछा, ठीक है, हड्डी को तिरछा मतलब तिरछी रूप में तोड़ता है, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। जो फ्रैक्चर होते हैं उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, जहाँ से हड्डी टूटी है उस स्थान पर तेज दर्द होता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है और वो स्थान सुन्न पड़ जाता है और नीला भी पड़ सकता है, और जो प्रभावित अंग है, वो पार्ट है, वो दर्द से भरपूर होता है, बहुत तेज दर्द होता है, और इतना तेज दर्द होता है कि उसको आसानी से हिलाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। ये इतनी सारी बोन इंजरी होती है, ठीक है। अब इसमें अगली हेडिंग जो है प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, ठीक है। ये जो इंजरी है ये होती क्यों हैं, और अगर हमें इन इंजरी से बचना है खेल के दौरान या बाहर कहीं आते जाते, अगर हमें इन इंजरियों से बचना है, इनका हमारे पर कोई असर ना पड़े, तो हमें अपने जीवन में कौन कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे जो चोट का जोखिम होता है, चोट का जो रिस्क होता है, लगभग सभी खेल गतिविधियों में होता है, सभी जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं सभी में होता है। जैसे कि खेल तथा प्रतिभागियों की संख्या, जो कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि उनकी संख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से जो खेल चोटें हैं उनकी संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। लेकिन किसी भी स्पोर्ट्स के दौरान, किसी भी प्रतियोगिता के दौरान अगर हम अपने आप को चोट लगने से बचा सकते हैं तो हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है इसमें प्रॉपर वार्मिंग, ठीक है। प्रॉपर वार्मिंग मतलब अगर हम किसी भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं तो हमें उस कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले, प्रतियोगिता को, कंपटीशन को शुरू होने से पहले हमें प्रॉपर वार्म अप कर लेना चाहिए, यानी कि शरीर को गर्मा लेना चाहिए, जिससे भी किसी भी एक्सीडेंट का, किसी दुर्घटना का, किसी चोट का जो खतरा है वो कम हो जाता है, ठीक है। और शरीर को कम से कम 10 मिनट तक कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि शरीर गर्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। मैं क्लास में आपसे बार बार बात करता हूँ बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट खिलाड़ियों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितने भी आवश्यक खनिज लवण है, विटामिन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है और विटामिन डी है, इन आदि की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर हड्डियाँ ही चोट का कारण बनती है। इसलिए बैलेंस डाइट चोटों के बचाव में बहुत सहायक है, ठीक है। नेक्स्ट यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी कि सुरक्षात्मक उपकरण, ठीक है। खेलों में जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रॉपर हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। कभी भी कोई आलस नहीं करना चाहिए कि इस मैं इस इक्विपमेंट को ना लगाऊं, मैं इसके बिना खेलूं, कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ओबेइंग रूल्स, नियमों का पालन, किसी भी खेल के दौरान जिस खेल में जो रूल्स बनाए गए हैं हमें उनका पालन करना चाहिए, ठीक है। अगर हम उन रूल्स का पालन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो इससे काफ़ी सीमा तक, काफ़ी तक चोटों से बचा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, ठीक है, यानी खेल कुशलता का उचित ज्ञान, प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, जो हमारा खेल कौशल है, ठीक है, हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ऊंची कूद वाले खिलाड़ी हैं, हाई जंपर हैं, ठीक है, उनको नीचे आने, लैंडिंग की कला में दक्ष होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने हाई जंप तो कर दिया, हमने लॉन्ग जंप तो कर दिया, लेकिन हमें लैंड कैसे करना है, हाई जंप में हमको नीचे कैसे आना है, ठीक है, जो इस तरह की स्किल्स हैं हमको उनमें बिल्कुल प्रॉपर फिट होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर कंडीशनिंग,
भले ये भी होना चाहिए कि हम जब कोई किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ का हिसाब कैसा है, ग्राउंड की स्थिति क्या है, किसी कोर्ट की स्थिति क्या है, उन सब चीज़ों को अपने अनुकूल देखकर, अपने स्पोर्ट्स के अनुकूल देखकर ही प्रतिभाग करना चाहिए। प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, देखो वास्तव में खेल चोटों से बचा जा सकता है अगर हमारी ट्रेनिंग प्रतियोगिता के दौरान स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और अच्छे ग्राउंड्स हमें प्राप्त हों तो, ठीक है। यानी कि अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, अगर उनको अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए, तो भी ग्राउंड्स में चोट लगने की जो संभावना है वो कम हो जाती है, ठीक है बेटा। अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो फ्रैक्चर से या बोन इंजरी से या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, ठीक है। आपका ये इंजरी वाला टॉपिक यहाँ खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।